Hello, Good afternoon. so today we start the chapter number 3, the human reproduction. So first of all, you know about the sexual reproduction. What is sexual reproduction? In which reproduction the male or female gamete will produced, जिसमें male और female gamete both, sorry, male and female gamete both are produced, उसमें हम उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, जिसमें एक मेल गैमेट बनता है, एक फीमेल गैमेट बनता है, जिसमें गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सब हम जानते हैं। तो व्हाट इज दी स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और व्हाट इज रिप्रोडक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल, दी प्रोडक्शन ऑफ दी न्यू ऑफस्प्रिंग और अ न्यू जनरेशन, उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन के स्टेजेस क्या क्या है, तो हम स्टार्ट करें कहां से? तो के रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है आफ्टर प्यूबर्टी। व्हेन द प्यूबर्टी विल कंप्लीट, देन द रिप्रोडक्शन फेज विल स्टार्ट, एंड इट स्टार्ट फ्रॉम द गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस। इफ द स्पर्म विल प्रोड्यूस फ्रॉम टेस्टिस एंड the ova produce from the ovary. So the formation of sperm it's called spermatogenesis, and the formation of ova called oogenesis. So after the formation of gametes, when after the formation of gametes, the both gametes will fused and form a zygote called the fertilization process. But how the fertilization process occurs? Okay, first of all, the male gametes or sperm insemination means, what is insemination? Insemination means through a penis a male eject male in inject the sperm into the female genital tract. It's called insemination. So after the insemination, fertilization will occur and the zygote will form. After the zygote formation, the zygote will form. We are human, so the fertilization is direct. Fertilization is within the body, and development is direct. So after the formation of zygote, this zygote implants into the female uterus. Means ये जो zygote है, ये जो zygote बना, वो zygote कहाँ पे implant होगा? फीमेल के यूटेरस में, फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन यूटेरस है उसमें ये इम्ब्रियो है। अब उसको हम जायगोट नहीं बोलेंगे, क्योंकि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सॉरी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट इट विल स्टार्ट द क्लीवेज प्रोसेस। मैंने क्लीवेज प्रोसेस के बारे में पहले लेक्चर में बोला था, जब मैं प्लांट पढ़ा रहता था। तो आफ्टर द जायगोट फॉर्मेशन क्लीवेज प्रोसेस स्टार्ट होगा, और क्लीवेज प्रोसेस में क्या होगा कि सेल डिवाइड होना स्टार्ट होगा जायगोट के बाद, तो वो इम्ब्रियो फॉर्म बनेगा। ये जो इम्ब्रियो फॉर्म है, ये इम्ब्रियो फॉर्म कहां पे जाएगा? तो के ये इम्ब्रियो फॉर्म है वो यूटेरस में जाएगा, गर्भाशय में, और यूटेरस में उसका इम्प्लांटेशन होगा, वो अटैच होगा टू दी यूटेराइन वॉल। नाउ उसके बाद गेस्ट्रेशन पीरियड होगा। गेस्ट्रेशन पीरियड मीन्स डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो into the new child, okay, उसको हम क्या बोलेंगे? gestation period, के जिसमें जो child है, sorry, जो zygote, sorry, जो जो embryo है, वो embryo develop होगा in uterine, in uterus और in female uterus, and वो बनेगा child, और new young one जब बनेगा तो उसको हम बोलेंगे gestation period। देन गेस्ट्रेशन, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ गेस्ट्रेशन क्या होगा? तो के वो चाइल्ड का बर्थ होगा, बरोबर है? जब वो चाइल्ड बर्थ होगा, डिलीवरी जब चाइल्ड की होगी, तो उसको पार्टुरिशन बोलते हैं, बरोबर है? पार्टुरिशन, उसको पार्टुरिशन बोलते हैं, डिलीवरी ऑफ चाइल्ड और बर्थ ऑफ चाइल्ड। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, कि जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें ये सब प्रोसेस होता है, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, गैस्ट्रेशन एंड पार्टुरिशन, ये सब प्रोसेस होता है। सॉरी इंसेमिनेशन रह गया, तो गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, देन फर्टिलाइजेशन, देन डेवलपमेंट
और गेस्टेशन एंड पार्टोरेशन ये सारी प्रोसेस होती है और तब ह्यूमन का रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, सो व्हाट आर दी चीफ ऑर्गन्स ओ मेल में होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दी वन पैर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इन स्क्रॉटम और आउटसाइड दी बॉडी जो प्रेजेंट होती है ह्यूमंस में, मेल में। मेल में एक पैर टेस्टिस स्क्रॉटम सैक और उसको स्क्रॉटल सैक बोलते हैं जो स्क्रॉटम में होता है आउटसाइड ऑफ दी बॉडी। तो ये आपकी बुक में नहीं लिखा है, प्लीज मार्क कीजिए कि जो टेस्टिस होते हैं वो बिफोर प्यूबर्टी मेल में, बिफोर प्यूबर्टी दे आर प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी। वो कहां पे होंगे? एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होंगे। देन आफ्टर द प्यूबर्टी जब जब जैसे जैसे प्यूबर्टी कंप्लीट आती जाएगी वैसे वैसे दोनों टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटल सैक में आएंगे। क्यों? आपको क्वेश्चन आना चाहिए क्यों ऐसा होता है कि जो एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम सैक में आए। ऐसा होने का एक रीजन है क्यों, क्योंकि स्क्रोटम सैक का जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर से 2 या 3 या 2 और 2.5 डिग्री सेल्सियस कम है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए उसको लो टेम्परेचर चाहिए, बॉडी टेम्परेचर यानी 37 बॉडी टेम्परेचर है तो 37 डिग्री से कम यानी 2 to 3 डिग्री सेल्सियस बिलो दी बॉडी टेम्परेचर, वो बॉडी टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए तो वो स्क्रोटम सैक में उसको मिलेगा। इसलिए वो दोनों टेस्टिस है वो पहले एब्डोमिनल कैविटी में थे, देन दे कम्स इनटू द स्क्रोटम थ्रू द इग्विनल कैनाल। ये आप याद रखना, इग्विनल कैनाल इज अ पैसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टेस्टिस फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी टू द स्क्रोटम। पता चल रहा है, जो एब्डोमिन कैविटी में टेस्टिस होंगे वो टेस्टिस इग्विनल कैनाल थ्रू अ पैसेज इग्विनल कैनाल थ्रू वो स्क्रोटम में आएंगे। आपकी टेक्स्ट बुक में इग्विनल कैनाल का कोई कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसलिए ये नोट कीजिएगा कि स्क्रोटम सैक में कहां से आता है टेस्टिस, थ्रू इग्विनल कैनाल फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी, ये खास नोट कीजिएगा। तो वहां से टेस्टिस स्क्रोटम में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए टेम्परेचर लो चाहिए, बॉडी टेम्परेचर 37 है उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए 2 या 3 डिग्री सेल्सियस नीचे आए टेम्परेचर चाहिए, इसलिए वो टेस्टिस आते हैं स्क्रोटम सैक में। नाउ दी एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स टेस्टिस के अलावा क्या है। टेस्टिस से आगे अगर हम जाए तो आफ्टर द टेस्टिस देर इज अ कॉइल एंड मैनी ट्यूबुलर ट्यूब्स आर देर एंड वेरी माइन्यूट ट्यूब्स आर देर एंड सो मेनी ट्यूब्स एंड कॉइल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एपिडीडाइमिस। इट्स कॉल्ड एपिडीडाइमिस, यू कैन सी योर डायग्राम, बरोबर एपिडीडाइमिस है। एपिडीडाइमिस के जस्ट बाद में उसके बाद वास डेफरेंस है, वो वास डेफरेंस आगे जाके यूरेथ्रा में ओपन होता है और वो जो यूरेथ्रा है उसमें ओपन होने से पहले बरोबर वास डेफरेंस के साथ सेमिनल वेसिकल दिस द एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल। सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल में जो ट्यूब्स आती है वो जॉइंट होती है वास डेफरेंस में, देन वास डेफरेंस ओपन इनटू द यूरेथ्रा। सो जो सेमिनल वेसिकल्स की जो ट्यूब्स है वो ओपन होती है वास डेफरेंस में, देन वास डेफरेंस ओपन होती है यूरेथ्रा में और वो जो यूरिन और स्पर्म का दोनों का पैसेज कॉमन है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा आगे जाके थोड़ा थिक पार्ट बनाता है, उसके सबसे आगे होता है पेनिस। ओके, पेनिस के आगे लूज स्किन होती है उसको हम बोलते हैं फोर स्किन, और जो पेनिस का सबसे आगे का पार्ट होता है उसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस, बरोबर है।
तो ये पूरा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है और तीन एसेसरी ऑर्गन्स है, खास नोट कीजिए तीन एसेसरी ऑर्गन्स, देर आर थ्री एसेसरी ऑर्गन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सेमिनल वेसिकल, द सेकंड वन इज प्रोस्टेट एंड द थर्ड वन इज स्पेयर्ड ग्लैंड, इट्स कॉल्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, वो पैर में होती है, सेमिनल वेसिकल एक होता है, प्रोस्टेट एक होता है और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पैर में होती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इज प्रेजेंट इन पैर, वो दो होती है। सो तीन एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। फिर से बोल रहा हूं, प्रोस्टेट एक, सेमिनल वेसिकल एक और बल्बो यूरेथ्रल दो, खास नोट कीजिए। ओके आगे, सो हम फिर से टेस्टिस में आते हैं, तो टेस्टिस की जो साइज है वो चार या पांच सेंटीमीटर लेंथ उसकी जो होती है और विड्थ होती है वो टू थ्री सेंटीमीटर में भी, यस टू टू थ्री सेंटीमीटर उसकी विड्थ होती है और लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर, और उसके ऊपर एक हार्ड कवर होता है कनेक्टिव टिश्यू का एक कवर होता है जो टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है, उसका नाम नहीं दिया गया है, उसका नाम नोट कीजिए ट्यूनिका अल्बुजिनिया। टेस्टिस के ऊपर जो हार्ड कवरिंग है जो कनेक्टिव टिश्यू का है उसको बोलते हैं ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ट्यूनिका अल्बुजिनिया इज द आउटर मोस्ट कवर ऑफ टेस्टिस विच इज द प्रोटेक्टिव लेयर फॉर द टेस्टिस। नाउ विद इन दी टेस्टिस देर आर दी सो मेनी लोब्यूल्स आर देर, जिसको बोलते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। सो देर आर सो मेनी टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स, हाउ मेनी, तो 250 टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल टेस्टिस। सो इन दीज टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स वी कैन फाइंड दी there are so many seminiferous tubules. Here I draw the seminiferous tubules. The all rounds are seminiferous tubules. Seminiferous tubules are minute tubes and they are lined by the two type of cell. There is the seminiferous tubules, the layer of seminiferous tubules. There are two type of cell. First is a germ cell. और इसको हम स्पर्म मदर सेल भी बोलते हैं और स्पर्म जर्म सेल और मेल जर्म सेल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से होगा स्पर्मेटोगोनिया, यहां से होगा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यहां से स्पर्म बनेंगे और उसके साथ जो बड़े वाले सेल द लार्ज सेल उसको बोलते हैं सर्टोजी सेल्स। ओके तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स लाइन बाय द टू टाइप ऑफ सेल, वन इज अ जर्म सेल और मेल जर्म सेल और स्पर्म मदर सेल, उसके लिए उसको और एक बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रीमोर्डियल जर्म सेल, वो आपके बुक में नहीं लिखा है, उसको बोलते हैं प्रीमोर्डियल जर्म सेल, मेल जर्म सेल एंड द सेकंड वन इज सर्टोली सेल। ये क्या फंक्शन करेगा वो मैंने आपको बोल दिया है, द जर्म सेल अंडरगो इनटू द गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस एंड दे प्रोड्यूस द स्पर्म्स and the Sertoli cells are the they are nutritive for the sperms. जो sperms बन रहे हैं, जो spermatogenesis process होगा उसको nourishment कौन देगा, तो Sertoli cells देंगे। बरोबर, जो large cell है वो nourishment देंगे जो spermatogenesis process होगा उसके लिए। Here we can see the space between the seminiferous tubules. ये जो स्पेस है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और ये इंटरस्टिशियल स्पेस के बीच में जो है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, और उसको लेडिंग सेल भी बोलते हैं। इज द लेडिंग सेल, यू आर अवेयर अबाउट द लेडिंग सेल, 11th में आ गया है 22 चैप्टर में कि लेडिंग सेल सिक्रीट द मेल एंड्रोजन और मेल हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन विच इज सिक्रेटेड बाय लेडिंग सेल और इंटरस्टिशियल सेल। तो इंटरस्टिशियल सेल्स आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल स्पेस
what is the interstitial space? Okay, seminiferous tubules are produced the space between two, ये दो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स है उसके बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और वहां जो सेल्स है वहां सेल्स भी है और ब्लड वेसल्स भी है, क्योंकि आप जानते हैं हॉर्मोन्स का आएगा, हॉर्मोन्स है वो प्रोड्यूस होने के बाद सीधा ब्लड में आएगा. सो इंटरस्टिशियल सेल्स प्रोड्यूस द मेल हॉर्मोन इट्स कॉल्ड एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन आपको पता है कि वो हेल्प करता है उस स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में, प्यूबर्टी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को प्रोड्यूस करता है और मेल जेनिटल ऑर्गन्स को डेवलप करता है, वो आपको पता है. सो हियर दी हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस, आप बुक में भी देख सकते हैं कि आपको कई सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिए गए हैं, उसके बीच में इंटरस्टिशियल सेल्स है और इंटरस्टिशियल सेल्स क्या प्रोड्यूस करे उसको लेडिंग सेल्स भी बोलते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करेगा. और जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स है उसमें दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होता है जर्म सेल, दूसरा होता है सर्टोली सेल्स. क्लियर? तो ये सारे जो जर्म सेल है उसमें से स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म को न्यूरिशमेंट मिलता है सर्टोली सेल्स से. ये सारे जो प्रीमोडियल जर्म सेल्स है वो प्रीमोडियल जर्म सेल्स जो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं वो स्पर्म सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में से आगे आके वो खुलता है वास एफरेंशिया में. वास एफरेंस होती है, वो वास एफरेंस सब कलेक्ट करती है स्पर्म्स फ्रॉम दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. सो वास एफरेंस जो है वो सारी ट्यूब्यूल्स में से स्पर्म्स को लेके आती है. देन वास एफरेंस ओपन्स इनटू दी रेडी टेस्टिस. नाउ रेडी टेस्टिस इज अ ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ टेस्टिस, बरोबर, जो पास करता है स्पर्म्स को. तो रेटी टेस्टिस है वो सब वास एफरेंस में से स्पर्म्स को कलेक्ट करके वो लाता है एपिडीडाइमिस में. एपिडीडाइमिस इज द पोस्टीरियर कॉइल्ड पार्ट ऑफ टेस्टिस विच इज सिचुएटेड एट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टेस्टिस एंड वेरी माइन्यूट ट्यूब्यूल्स एंड वेरी कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट इन एपिडीडाइमिस. एपिडीडाइमिस है वो सारे स्पर्म्स कलेक्ट करती है फ्रॉम रेटी टेस्टिस एंड एपिडीडाइमिस में से सब स्पर्म्स से पास होता है, क्योंकि जब स्पर्म फॉर्म होता है तब वो कंप्लीट मैच्योर नहीं होता. इसको नोट कीजिए, वो कंप्लीट मैच्योर नहीं होता, वो एपिडीडाइमिस तक आता है वहां मैच्योर होता है एंड दे स्टोर एंड पास दी स्पर्म्स into the vas deferens. Now epididymis वो open होगा vas deferens में, और vas deferens आगे जाके वो ureter के ऊपर आता है, तो वो आगे जाके prostate seminal vesicles दोनों का secretion लाएगा and then bulbo urethral gland also secrete their secretions into sperms and they form a semen. And then they opens into vas deferens opens into the urethra. But मैं पहले बोला था कि before it open to the urethra, the seminal vas deferens receive the tube ducts from the seminal vesicles. तो वो जो seminal vesicles में जो tubes आती है उसमें बल्बो यूरेथ्रल प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल तीनों का सिक्रीशन होता है और वो स्पर्म के साथ मिल जाता है और प्रोड्यूस करता है सीमेन को. तो व्हाट इज द कंटेंट्स ऑफ सीमेन, तो कि सीमेंस में क्या होगा, तो कि एक तो होगा स्पर्म होंगे उसमें, फ्रुक्टोज होंगे, प्रोटीन्स, एंजाइम्स होंगे. क्यों ये सब है, तो कि जो स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए है उसको नरिशमेंट के लिए, उसको लुब्रिकेशन के लिए, जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है ना वो स्पेशली इसके लिए प्रोड्यूस करता है प्रोटीन्स, वो उसको ल्यूब्रिकेशन देता है, वो जो टेस्टिस को होता है पेनिस को ल्यूब्रिकेशन देता है. तो वो स्पर्म है वो उसके पास एकदम फ्लैजी और वो टेल है, फ्लैशी टेल है, तो उससे वो मूवमेंट करता है. तो उसको मूवमेंट के लिए, उसको ल्यूब्रिकेशन के लिए और उसको नरिशमेंट के लिए ये तीनों के सिक्रीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों के
प्रोस्टेट के प्रोस्टेट बल्बो यूरेथ्रल एंड सेमिनल वेसिकल तीनों के जो सिक्रीशन है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी स्पर्म्स. नाउ स्पर्म्स आर रिलीज फ्रॉम दी यूरेथ्रा रदर पेनिस एंड पेनिस के सबसे आगे का भाग हमने बोला था उसको बोलते हैं ग्लास पेनिस और उसके ऊपर जो लूज स्किन होती है उसको हमने बोला था फोर स्किन. वहां से इजेक्ट होते हैं और पेनिस की एक स्पेशलिटी है वो इरेक्टाइल होता है और वो लूज भी हो सकता है. तो इट इज मेड अप फ्रॉम डिफरेंट टिश्यू एंड दे कंटेन अ लार्ज ब्लड वेसल्स. पेनिस है जो उसमें लार्ज ब्लड वेसल्स है दे फिल फ्रॉम विथ ब्लड एंड दे बिकम इरेक्ट एंड इफ देन जो जब वो ब्लड निकल जाता है उस वेसल्स में तो वो पेनिस होता है वो फिर से लूज हो जाता है. तो उसकी एक स्पेशलिटी है इरेक्टाइल पेनिस है. तो ये इरेक्टाइल होने के बाद इजेक्ट करता है स्पर्म्स को इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक. उसको हम इंसेमिनेशन बोलते हैं वो हमने बोल दिया है. तो स्पर्म के साथ सीमेन में क्या होता है फिर से बोलता हूँ. स्पर्म के साथ सीमेन में फ्रुक्टोज होता है एंजाइम्स होते हैं और नरिशमेंट प्रोटीन्स होते हैं. ओके सो एक जो रह गया है कि यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लेडर वो आपको पता है एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड उसकी जो एक्सटर्नल ओपनिंग है उसको बोलते हैं यूरेथ्रल मेटस. ये मैंने आपको बोलना आपको रह गया था तो उसको बोलते हैं यूरेथ्रल मेटस जो ओपनिंग होता है यूरेथ्रा का और पेनिस का उसको बोलते हैं यूरेथ्रल मेटस. ओके तो यहाँ पे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट करते हैं. मेल ऑर्गन्स आ गए हैं सब. टेस्टिस की हिस्टोलॉजी आ गई है. टेस्टिस में क्या क्या होगा वो सब मैंने बोल दिया है तो ये सब आप एक बार पढ़ लीजिए इसमें से और बाद में अगर कोई डाउट हो तो मुझे फिर से बोल. ओके डन गुड बाय.